इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी कल गोवा में हुई, जहां पर कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज नजर आए। वरुण धवन और सारा अली खान को इसी सेरेमनी को इनॉग्रेट करते देखा गया। इसके अलावा अजय देवगन, कार्तिक आर्यन से लेकर अपार शक्ति खुराना, परेश रावल तक कई और सेलेब्स यहां पर नजर आए। इन सभी को यहां पर ऑनर किया गया इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इन द सिनेमा। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि सिंगम और भूल भुलैया 2 के रू बाबा अजय देवगन और कार्तिक आर्यन साथ में नजर आए। कार्तिक ने ये तस्वीर खुद शेयर की और कार्तिक आर्यन तो कैप्शन किंग है ही। इसके साथ उन्होंने दृश्यम 2 के रेफरेंस में एक बहुत ही अच्छा कैप्शन लिखा। कार्तिक ने लिखा, विजय सलगांवकर और रू बाबा ने 2 अक्टूबर को गोवा में एक साथ पाव भाजी खाई और 3 अक्टूबर को सत्संग करके मुंबई लौट आए। पीएस, पाव भाजी बहुत अच्छी थी। कार्तिक आर्यन का ये कैप्शन फैंस के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कई और सेलेब्स भी दिखे। सारा अली खान ने यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग डांस परफॉर्मेंस दी। भेड़िया एक्टर वरुण धवन भी स्टेज पर धमाल मचाते नजर आए और इस इवेंट की क्लोजिंग एक्ट की कार्तिक आर्यन ने। कार्तिक आर्यन को यहाँ पर जमकर डांस करते देखा गया। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 एक्ट्रेस तबू ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे हैं, क्योंकि तबू बन चुकी है इस साल की बॉक्स ऑफिस क्वीन। वो एक लौती ऐसी एक्ट्रेस है जिनकी 2 फिल्में आई और दोनों ही हिट साबित हुई। भूल भुलैया 2 और दृश्यम 2 दोनों में ही तबू का बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार रहा है और दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा कर चुकी हैं।